हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू टेब अफेयर्स इस वीडियो में बात करेंगे बुक्स एंड ऑथर्स फ़रवरी मंथ के बारे में फ़रवरी 2021 में जो इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स रिलीज़ हुए हैं इम्पॉर्टेंट बुक्स पुस्तकें और लेखक ये उसके बारे में वीडियो है वैसे तो दो मंथ का एक साथ आता है इस चैनल पर लेकिन इस बार बहुत ही ज़्यादा बुक्स रिलीज हुए हैं फरवरी मंथ में तो ये वीडियो एक बार में लाने का कोशिश किया गया काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स रिलीज़ किए गए हैं तो अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें ये आपका करंट अफ़ेयर्स पार्ट और स्टैटिक जी का पार्ट भी कवर करेगा किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टेट पी एस सी बैंक एस एस सी रेलवेज सो सब एग्ज़ाम में बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चनस रहते हैं और इस वीडियो में करंट अफेयर्स का भी रहेगा और कुछ स्टैटिक फैक्ट्स भी बताए जाएंगे हर एक इम्पॉर्टेंट बुक के साथ तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले बात करेंगे जो पहली किताब है वो है यस मैन यस मैन बाय पवन सी लाल तो यस मैन बुक किस किसपे लिखा गया है ये यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर तो राणा कपूर फॉर्मर बैंकर हैं और को फाउंडर फॉर्मर एम डी हैं है, यस yes बैंक के तो मनी लॉन्ड्रिंग केस में ये पहले जेल जा चुके हैं तो उन पर यह किताब लिखा गया है यस मैन बाई पवन सी लाल यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राना कपूर दूसरी किताब है दिस लाइफ एट प्ले अ मेमोयर बाई गिरीश द लाइफ एट प्ले तो कन्नड़ बुक को ट्रांसलेट किया गया श्रीनाथ पेरूर के द्वारा अंग्रेज़ी में तो गिरीश कर्नार के बर्थ एनिवर्सरी पे ये रिलीज़ किया गया है यह किताब द लाइफ एट प्ले मेमोयर बाय गिरीश कर्नार तो गिरीश कर्नाड एक फेमस राइटर डायरेक्टर एक्टर थिएटर एक्टिविटीज रह चुके हैं बहुत सारी फिल्मों में काम किए हैं हिंदी कन्नड़ तेलुगु तमिल में बहुत सारे बॉलीवुड मूवीज़ में भी ये काम कर चुके हैं जैसे एक था टाइगर हे राम डोर तेरी कसम जो क्रिटिक्स रिलेटेड मूवी है उसमें बहुत सारे ये मूवीज़ में ये काम कर चुके हैं और काफ़ी सारा पुरस्कार इनको पहले दिया जा चुका है जैसे पद्मश्री ने मिल चुका है पद्म भूषण मिल चुका है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था उन्नीस सौ निन्यानवे में संगीत नाटक अकेडमी साहित्य अकेडमी कालिदास सम्मान तो काफ़ी सारे अवार्ड्स इनको पहले दिए जा चुके हैं गिरीश कर्नाड की उनकी लाइफ पर ये पुस्तक है जिसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है दिस लाइफ एट प्ले अ मेमर बाय गिरीश कर्नाड तीसरी पुस्तक है द लिटिल बुक ऑफ अरेंजमेंट दलाई लामाज न्यू बुक ये किसके द्वारा लिखा गया बुक एडिटेड बाय रेणुका सिंह तो दलाई लामा तिब्बत गुरु जिनका ओरिजिनल नाम है लामो थोनडीप लामो थोंडीप उनका ओरिजिनल नाम है दलाई लामा द फोटिन दलाई लामा उनके लाइफ पे ये किताब है द लिटिल बुक ऑफ अरेंजमेंट बाई रेणुका सिंह बुक वेयर अबाउट्स वेयर अबाउट्स बाय झुम्पा लहरी तो झुम्पा लहरी फेमस किताब लिखा था इन्होंने द नेम सेक तो अब इनकी किताब एक रिलीज हुई है वेयर अबाउट बाय झुम्पा लेरी झुम्पा लेरी को पुलटे प्राइज और पेन अवार्ड भी दिया जा चुका है जो इंपॉर्टेंट अवार्ड है पहले तो वेयर अबाउट्स बाय झुम्पा लेरी अब बात करते हैं द प्लेटफॉर्म स्किल फॉर अ पोस्ट पैंडमिक वर्ल्ड इसको किसके द्वारा लिखा गया है संगीत पॉल चौधरी द बुक एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ इनर वर्किंग ऑफ प्लेटफॉर्म बिजनेस मॉडल एंटरप्रेनर्स इनोवेटर्स के लिए ये किताब है तो प्लेटफॉर्म स्केल फॉर अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड किसके द्वारा लिखा गया संगीत पॉल चौधरी के द्वारा फिर बात करते हैं बाई मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट्स ये किसके द्वारा लिखा गया तो हामिद अंसारी फॉर्मर वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया जिन्होंने कार्यकाल संभाला था दो से दो तक और इंडियन एम्बेसी अम्बैस्टे, एम्बेसडर भी रह चुके हैं ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान ईरान सऊदी अरेबिया में तो उनकी ये किताब है बाई मनी अप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ बाई अंसारी। फिर बात करते हैं कमलाज वे एंड अमेरिकन लाइफ बाय डैन मोरियन डैन मोरियन के द्वारा लिखा गया तो कमला हैरिस पे ये किताब है कमला हैरिस जो यूएसए की फोर्टी नाइन्थ वाइस प्रेसिडेंट है और पहली महिला उपराष्ट्रपति है वाइस प्रेसिडेंट तो कमला हैरिस पे ये किताब है कमलाज वे एंड अमेरिकन लाइफ बाई डैन मोरियन के द्वारा लिखा गया मैपिंग लव बाई इसकी कोई इमेज नहीं है मैपिंग लव बाय फिल्म मेकर अश्विनी अय्यर ने लिखा यह किताब दूसरी किताब क्या है टर्न अराउंड इंडिया 2020 बाय आरपी गुप्ता फिर बात करते हैं फ्रैक्चर्ड मोजायक बाय सबर्ना रॉय दूसरी किताब है सरस्वती गिफ्ट बाय कविता काने फॉर्मर जर्नलिस्ट तीसरी बुक है फिर कोविड एंड पोस्ट कोविड रिकवरी अ बुक बाय विशाख शिव दसानी ये एक डॉक्टर है बहुत फेमस डॉक्टर है तो उनके द्वारा लिखी गई किताब है कोविड एंड पोस्ट कोविड रिकवरी अगली पुस्तक है इंडियन इंडियन इकोनॉमी ग्रेटेस्ट क्राइसिस तो इंडियन इकोनॉमिक ग्रेटेस्ट क्राइसिस बाय अरुण कुमार इंपैक्ट ऑफ द कोरोना वायरस एंड द रोड अहेड तो ये अरुण कुमार के द्वारा ये लिखी गई किताब है इंडियज इकोनॉमिक ग्रेटेस्ट क्राइसिस फिर बात करते हैं लुइस बैंक्स अ सिम्फनी ऑफ लव ये बायोग्राफी ऑफ लुइस बैंक है ऑथर्ड बाई आशीष घाटक आशीष घाटक के द्वारा लिखी गई किताबें लुइस बैंक कौन है ये पियानिस्ट रह चुके हैं कोलकाता से हैं ये और बहुत सारे म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ काम कर चुके हैं तो बॉलीवुड में जो जैज़ म्यूज़िक और फ्यूजन म्यूज़िक शुरू हुआ वो उसका क्रेडिट इन्हें जाता है तो ईज प पियनिस्ट पियानिस्ट पियानिस्ट प्यानिस, रह चुके हैं ये और आर डी बर्मन बप्पी लहरी लक्ष्मीकांत पेरालाल जैसे म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ ये काम कर चुके हैं तो इनके लाइफ पे किताब है लुइस बैंक अ सिम्फनी ऑफ लव बायोग्राफी ऑफ लुइस बैंक ऑथर्ड बाय आशीष घटक फिर बात करते हैं ये द एपिक बैटल ऑफ लोंगे वाला किसके द्वारा लिखा गया है रिटायर्ड एयर मार्शल भरत कुमार और लॉन्च किसके द्वारा किया गया एयर चीफ मार्शल आर के भदौरिया के द्वारा तो बैटल ऑफ लॉन्गे वाला कब हुआ था 1971 में राजस्थान राजस्थान में ये हुआ था पाकिस्तान से बैटल ऑफ लॉन्गे वाला तो उस पर यह किताब है द एपिक बैटल ऑफ लॉन्गे वाला फिर बात करते हैं अ पॉलिटिकल बायोग्राफी ऑफ एन टी रामाव ऑथर्ड बाई रमेश कंडुला एन टी रामा राव कौन है फॉर्मर एक्टर प्रोड्यूसर डायरेक्टर रह चुके हैं पॉलिटिशियन रह चुके हैं और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं सात साल तक और इन्होंने इन्होंने ही तेलुगु देशम पार्टी की शुरुआत की थी स्थापना की थी और पद्मश्री पुरस्कार भी इन्हें दिया जा चुका है पहले और किताब को लॉन्च किसने किया रिलीज किसने किया एम वेंकैया नायडू वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया और इस किताब का नाम है क्या है मैवरिक मसीहा मैवरिक मसीहा अ पॉलिटिकल बायोग्राफी ऑफ एन टी रामा राव फिर बात करते हैं लीडरशिप लेसन फ्रॉम ट्वेंटी टू तो इसमें क्रिकेट को इंस्पायर करके एंट्रप्रेनरशिप पे ये किताब लिखा गया बिजनेस मॉडल के लिए लिखा गया कॉरपोरेट लीडर जो श्रीकांत राम हैं उन्होंने ये किताब लिखा है ये कंपैरिजन ऑफ क्रिकेट एंड कॉरपोरेट स्टोरीज फॉर लीडर एंड एंटरप्रेनर्स तो लीडरशिप लेसन फ्रॉम ट्वेंटी टू ईयर्स बाई श्रीकांत राम फिर बात करते हैं दे मेड वाट दे फाउंड वट ये किताब लिखा गया है श्वेता तनेजा के द्वारा तो किताब में डिस्कस किया गया है, जो भी इंडिया में इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा डिस्कवरीज और इन्वेंशन हुआ है उसके बारे में ये किताब लिखा गया बाय श्वेता तनेजा दे मेड वार्ड एंड दे फाउंड वार्ट फिर बात करते हैं बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट ये किसके द्वारा लिखा गया है? राम माधव के द्वारा पॉलिटिशियन है आर से जुड़े हैं और ऑथर हैं राम माधव लॉन्च बुक बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट मी टू हैश टैग मी टू बुक लॉन्च बाई करणपुरी तो करणपुरी ने लिखा हैश टैग मी टू बुक कलेक्शन ऑफ सिक्स स्मॉल शॉर्ट स्टोरीज तो मी टू बाई पुरी फिर बात करते हैं इंडिया अ स्कैम्स्टर बॉर्न इन एवरी मिनट ये किसके द्वारा लिखा गया स्निग्धा पूनम के द्वारा ब्राइड ऑफ द फॉरेस्ट बाई माधवी माधवन ब्राइड ऑफ द फॉरेस्ट बाई माधवी माधवन उसके बाद बात करते हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी के लाइफ पे मेमोयर पे किताब लिखा गया है द थर्डीड प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया द प्रेसिडेंशियल ईयर्स ऑन लाइफ ऑफ प्रणब मुखर्जी पॉस्टमसली रिलीज किया गया है लास्ट जनवरी में किया गया था जनवरी लास्ट वीक में तो ये किताब प्रणब मुखर्जी के लाइफ पर है द दर्डीड प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया द प्रेसिडेंशियल ईयर्स कुछ और पुस्तक हैं जो इंपॉर्टेंट बुक्स है जो इसी फरवरी मंथ में रिलीज किया गया है पहला है एटीन फिफ्टी सेवन द स्फोर्ड ऑफ मस्तान ये किसके द्वारा लिखा गया है विनीत वाजपेयी के द्वारा दूसरी पुस्तक है द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज़ मेघना पद के द्वारा तीसरी पुस्तक है अशोका तो किंग अशोका के लाइफ पे असूत्र बाई इरविन सीली तो अशोका और अशोका के साम्राज्य पे लिखे गए यह पुस्तक है अशोका चौथी पुस्तक है द स्टार स्ट्रक कन्फेशन ऑफ ए टी वी एग्जीक्यूटिव बाई पीटर 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 मुखर्जी के द्वारा स्टार इंडिया में है ये स्टार स्ट्रक कन्फेशन ऑफ ए टी वी एग्जीक्यूटिव बाई पीटर मुखर्जी फिर बात करते हैं राष्ट्र प्रथम एटी टू सॉरी बरासी बयासी वर्षों की स्वर्णिम गाथा तो राष्ट्र प्रथम बयासी वर्षों की स्वर्णिम गाथा ये किसके द्वारा लिखा गया है भुवन कुमार झा के द्वारा और अमित शाह ने गृहमंत्री अमित शाह ने इस किताब को रिलीज किया एग्रीकल्चर एक्ट ट्वेंटी ट्वेंटी ये किसके द्वारा लिखा गया है ए के रंजन मद्रास कोर्ट में हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस हैं ए के रंजन उनके द्वारा लिखी गई ये किताब है रनवे टू स्किल्ड इंडिया ये किसके द्वारा लिखा गया डार्ली ओ कोशी के द्वारा स्टोरीज आई मस्ट टेल द जर्नी ऑफ एन एक्टर तो बॉलीवुड वेटरन एक्टर कबीर बेगदी की ये किताब है उन्होंने लिखा यह किताब को स्टोरीज आई मस्ट टेल द जर्नी ऑफ एन एक्टर फिर है बेयर नेसेसिटीज हाउ टू लिव अ जीरो वेस्ट लाइफ बाई सहर मंसूर एंड टीम डी रीडर तो बेयर नेसेसिटीज बाई सहार मंसूर एंड टीम डी रीडर तो ये थे फरवरी मंथ के इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स तो काफ़ी सारे बुक रिलीज किए गए इस मंथ में तो इसीलिए एक वीडियो में ही लाया गया वैसे दो मंथ का एक साथ कंबाइन आता है वीडियो तो वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग थैंक यू